हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के आगामी जो भर्ती आने वाली है इसके ऊपर एक कंफर्मेशन न्यूज मिला है, ठीक है। तो हम वीडियो में आगे देखेंगे और बात करेंगे कि जो बिग अपडेट अभी आ रहा है रेलवे की नई भर्ती को लेकर, वो पार्टिकुलर कहां से आया है, किसने इसकी जानकारी दी है, ये पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखेंगे तो 156,000, ठीक है, 156,000 पद पर बड़ी भर्तियां रेलवे में आ रही है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हम कब से तो सुन रहे हैं भर्ती अभी तक आई नहीं। तो देखिए, मैं आपको जब भी रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट का आपको वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करता हूं तो हर वीडियो में बताता हूं कि भर्ती आपको 2023 के एंड तक और नहीं तो 24 के आपको शुरुआत में भर्ती 110% आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। चाहे आप एलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि इस बार से आपको ग्रुप डी का जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे और इस बार आप यकीन मानो कि आईटीआई और अप्रेंटिस वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा अपॉर्चुनिटी इस बार आप सभी को मिल रहा ना, खासकर आईटीआई वालों को, वैसा अपॉर्चुनिटी आने वाला टाइम में आईटीआई वालों को ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत सारे छात्रों को पता चल जाएगा कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है, तो सभी छात्र तब तक आईटीआई यहां पे कंपलसरी कर देंगे। उस टाइम तक क्या होगा कि लाखों की संख्या में फिर यहां पे फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, बस थोड़ा पढ़ाई करना है, कुछ टॉपिक पढ़ना है। इसके ऊपर हम आपको एक दो दिन में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आपको कहां कहां से पढ़ना है। और देखिए, उतना ही पढ़िए जितना में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आपको आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं देना है कि पूरा आपको अंदर अंदर तक जाके पढ़ना है, ऐसा नहीं। इतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, बस। अगर आप सीसीए वाले छात्र हैं तो 40-45-50 नंबर लाने लगे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप आईटीआई से स्टूडेंट है तो 55-60 नंबर तक कोशिश करिए कि इतना तक आपका आ जाए, और उम्मीद है कि आपका 55-60 में ही आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार से आपका क्या होगा कि सीसीए और यहाँ पे आईटीआई के जो बच्चे अप्लाई करेंगे ना, उसमें आपको कट ऑफ में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं आपस अपनी टॉपिक पे और बात करते हैं कि जो आपका 156,000 से ज्यादा पद का यहां पे जो घोषणा किया गया है, ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी को पहले बता देते हैं कि 156,000 पे जो बड़ी भर्ती आएगी ये बिना ग्रुप डी का पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना ग्रुप डी का आपका इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसा अभी तक देखा जा रहा कि आपका ग्रुप डी का भर्ती आना एकदम कंपलसरी है। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, ये सभी भर्ती जो है आपका सबसे पहले यहाँ पे एंट्री लेवल पे शुरू की जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं, जो बोल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, तो देखिए ब्रदर, आपका समय आ गया है। अब देखिए, इधर उधर आपको ध्यान नहीं दे रहा, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना। आप सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, आप आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि हमारा गोल आपका सीसीए का है, तो आप ग्रुप डी हमारा गोल होना चाहिए, और 40-45 नंबर लाना है, आपका यहाँ पे जो लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। इधर उधर अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो भर्ती आ जाएगा, उसके बाद आप चलोगे तैयारी करने, तो हो सके इस बार मौका आपको ज्यादा ना दिया जाए। क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ना, भर्ती आने और ज्वाइनिंग के टाइम ज्यादा समय आपको देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए, यहां पे ऑफिशियली जो यहां पे रिकॉर्डिंग है उसे आपको सुना देते हैं ताकि थोड़ा सा तसल्ली आपके मन में भी रह जाए कि हमारे लिए भी भर्ती रेलवे में रिलीज किया गया है। क्योंकि रेलवे को छोड़कर बाकी जितने भी डिवीजन के बारे में बात करें ना कुछ पोस्ट पे हर बार इनकी भर्ती आती है, पर रेलवे का बात करें तो पिछले 2019 से लेकर 2023 तक कोई भी भर्ती यहां पे नहीं आया है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप को छोड़कर, या फिर बोल लीजिए जीडीसीए छोड़कर, या फिर स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा को छोड़कर, ठीक है। तो इन सभी का भर्ती आ गया, पर ओपन मार्केट में जो भर्ती आता है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। सर ये बोल रहे हैं, मैं रेलवे का एक्सपीरियंट बोल रहा हूँ सर। आज हमारी 5-6 साल हो चुकी है लेकिन वैकेंसी नहीं आई अभी तक। आपको पता है सर की वैकेंसी नहीं आई सर? रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं आई अपनी सर। अभी तो इस साल 148,000 लोग भर्ती हुए हैं। सर सर सर, ये 2019 की वैकेंसी को बार बार वो करा रहे हैं ना काउंट। सर आप एक बात बताइए, जो अपने रेल मंत्री आए सर, इनके कार्यकाल में कोई वैकेंसी इन्होंने निकाली नहीं सर ना? बहुत निकाली नहीं इन्होंने, तो निकाली थी। अरे सर वो तो 2019 वाली वैकेंसी थी ना सर। हाँ तो अभी 156,000 निकल रही है। अच्छा सर, कब तक कार्यकाल में निकलेगी?
इन्हीं के कार्यकाल में। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के चीफ सेक्रेटरी माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि जो रेलवे के साथ यहाँ पे निरंतर मीटिंग चल रहा, उसमें ये कंफर्म हो गया है कि आने वाला टाइम में रेलवे आपको 156,000 भर्तियां देने वाला है। और वो भी कब देगा? तो इन्हीं के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में कहने का मतलब है कि इलेक्शन से पहले आपकी भर्तियां आ जाएगी। तो मैं हर बार बोलता हूं कि आपका जो भर्ती है 23 के एंड तक और नहीं तो 24 के शुरुआत में 100% कंफर्म देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर इनसे पहले भी ये जो है बड़े बड़े वादे कर चुके हैं कि इतनी भर्ती आएगी, इस टाइम तक आएगी, 22 में आएगी, 23 में, पर अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। देखिए, इन्होंने पहले क्या बोला वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका टाइम आ गया है इलेक्शन का, चुनाव का, तो जो अब भी बोला जाएगा ना वो मैटर करेगा। इसीलिए जो पहले बोले उनकी बातों को छोड़िए, पहली वाली बातों को, अभी जो बोला जा रहा उनकी बातों को ध्यान में रखते और ना प्रिपरेशन को और मजबूत करिए, ताकि इस बार अगर आप चूक गए ना तो फिर आने वाला अगला रेलवे का भर्ती कब आएगा ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना रेलवे बोर्ड को पता है, ठीक है। इसीलिए इधर उधर की बातें को छोड़कर आप अपना प्रिपरेशन पर कंटिन्यू ध्यान दीजिए। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर आपका अप्रेंटिस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि अप्रेंटिस दौरान ही आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सके आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होने से पहले अगर रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आ जाए तो कम से कम आप अगर प्रिपरेशन कर लोगे ना तो आईटीआई बेसिस पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे अप्रेंटिस के चक्कर में रहोगे कि नहीं 2-3 महीना बचा है, तो फिर ना आप अप्रेंटिस से फॉर्म अप्लाई करोगे और ना अगर आईटीआई से कर भी दियो तो फिर आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिपरेशन को खासकर ध्यान दीजिए, खासकर हम सीसीए और आईटीआई वाले कैंडिडेट को बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा। चलिए, बाद में आपको मिलेंगे नेक्स्ट भर्ती नेक्स्ट जानकारी के साथ। जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।